आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम कौन से उन 5 टॉप खिलाड़ियों को करने वाली है टारगेट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 5 खिलाड़ियों के बारे में जिनके पीछे आरसीबी की टीम भागने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया का नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है रेडी अन्ना। रेडी अन्ना 2010 से इंडिया में काम कर रही है एंड गाइस यहाँ पे आप लोग अभी 160 से भी ज्यादा यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं। 15 से ज्यादा इनके पास साइट्स हैं, 100 से भी ज्यादा इनके पास ब्रांच है इंडिया में। और गाइस यहाँ पे 24/7 का आपको विड्रॉल मिल जाता है एनी टाइम। एंड उसके साथ साथ गाइस आप लोग यहाँ पे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। पेमेंट प्रूफ देखने के लिए आप लोग यहाँ पे सीधे नीचे आपको कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस हम इस लिस्ट में नहीं रखने वाले डेविड वार्नर का नाम, नहीं रखने वाले हम लोग यहाँ पे केएल राहुल का नाम, क्योंकि गाइस ऑलरेडी इनके साथ यहाँ पे 2 नई आईपीएल टीमें कॉन्टेक्ट कर चुकी है। तो इसी वजह से हम लोग इन दोनों खिलाड़ियों का नाम यहाँ पे नहीं रखने वाले हैं। तो गाइस चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में जिनके पीछे आरसीबी की टीम भाग सकती है। तो गाइस उसमें से खिलाड़ी का नाम निकल कर आ रहा है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें, क्योंकि गाइस यहाँ पे हार्दिक पांड्या का जो 2 नई आईपीएल टीमें अभी तक जो पूरी तरीके से डील नहीं हुई है एंड गाइस यहाँ पे अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही कि अहमदाबाद की टीम ने कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे हार्दिक पांड्या को गाइस यहाँ पे छोड़ दिया गया एंड अहमदाबाद की टीम के साथ कॉन्टैक्ट में अभी नजर नहीं आ रही है। तो गाइस यहाँ पे हार्दिक पांड्या को पूरी तरीके से आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में टारगेट करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, और आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में करेगी टारगेट एंड अपने टीम में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है आरसीबी की टीम। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। दूसरे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है कगिसो रवाडा। जी हाँ, कगिसो रवाडा की अगर हम लोग बात करें तो गाइस यहाँ पे ये भी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं एंड गाइस यहाँ पे इनको भी पूरी तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में करने वाली है टारगेट एंड आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में अपने टारगेट करके अपने टीम में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। अब गाइस आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे मिचेल स्टार्क का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पे मिचेल स्टार्क की तरफ से जो अपडेट निकल कर आई है क्यों नाम तो देंगे, बट गाइस जैसे कि आप सभी को पता है मिचेल स्टार्क का हमेशा ऐसा हो चुका है कि नाम देते हैं लेकिन फिर उसके बाद आईपीएल खेलने के लिए नहीं आते। उसके बाद ऑक्शन से पहले कहते हैं कि हम यहाँ पे नाम देंगे लेकिन उसके बाद उनका नाम आता नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे मिचेल स्टार्क को नहीं रख रहे हैं। अब गाइस बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरे खिलाड़ी के बारे में। तीसरे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है बेन स्टोक। जी हाँ, बेन स्टोक का इस पे एक और कमाल के खिलाड़ी अगर हम लोग बात करें फॉरेन खिलाड़ी में से, तो गाइस यहाँ पे टॉप क्लास ऑलराउंडर यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को मिलने वाली है इस साल के मेगा ऑक्शन में एंड गाइस यहाँ पे हार्दिक पांड्या के साथ यहाँ पे तालमेल बहुत अच्छा हो सकता है एंड अगर इनको इंक्लूड किया जाता है तो एक गेंदबाज मिलेगा, एक टॉप क्लास बैट्समैन मिल जाएगा आरसीबी की टीम को। तो गाइस यहाँ पे मैच विनर खिलाड़ी है बेन स्टोक एंड आरसीबी की टीम इनको पूरी तरीके से करने वाली है टारगेट एंड इनको अपने टीम में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। तो गाइस इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तो गाइस अब बात करते हैं हम लोग चौथे खिलाड़ी के बारे में। चौथे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है फाक डुप्लेसी। फाक डुप्लेसी गाइस अब एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस साल के मेगा ऑक्शन में हम सभी को नजर आने वाले हैं एंड इनके पीछे काफी ऐसी टीमें गाइस भागने वाली है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया टी ट्वेंटी की अगर हम लोग बात करें, लास्ट ईयर आईपीएल की बात करें एंड हर लीग की अगर हम लोग बात करें, तो हमेशा हम सभी को फाक डुप्लेसी परफॉर्म करते नजर आते हैं एंड आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी की टीम भी चाहेगी इनको अपने टीम में इंक्लूड करना और आरसीबी की टीम इनके पीछे भागेगी, ये भी 100% कंफर्म है एंड आरसीबी की टीम के साथ कई ऐसी टीमें इनके पीछे भागने वाली है, तो आरसीबी की टीम इसमें शामिल रहेगी। तो कई सब आरसीबी की कोशिश रहेगी कि फाक डुप्लेसी को किसी भी तरह हो अपने टीम में इंक्लूड किया जाए और ओपनिंग करवाया जाए आरसीबी की टीम की तरफ से विराट कोहली के साथ। तो गाइस अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस पांचवें और आखिरी खिलाड़ी जो निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है मनीष पांडे। जी हाँ, मनीष पांडे के गाइस हम लोग इस वजह से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के जो पोस्ट जितने सारे आ रहे हैं, कर्नाटक की तरफ से जो नई न्यूज हम सभी को लगातार देखने को मिल रहे हैं, आरसीबी के जितने सारे फैंस हैं उन सारे आरसीबी के फैंस को पता होगा कि यहाँ पे लगातार हम सभी को कर्नाटक की तरफ से इसे अपडेट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आरसीबी का नया कप्तान यहाँ पे मनीष पांडे बनते हुए नजर आ सकते हैं एंड जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है ये रिपोर्ट आप सभी को भी पता होगा एंड मनीष पांडे को गाइस इंक्लूड करने में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है आरसीबी की टीम मैनेजमेंट एंड उनको इंक्लूड करके नया कप्तान बनाना चाहती है आरसीबी की टीम आईपीएल 2022
पाइस के लिए। तो गाइस इसी वजह से हम लोग यहाँ पे मनीष पांडे का नाम यहाँ पे सामने रख रहे हैं। तो गाइस अभी इस लिस्ट में मनीष पांडे का नाम है और आरसीबी की टीम कहीं ना कहीं इनको भी इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है। आईपीएल 2022 की बात करें तो गाइस यहाँ पे मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी करते हैं, काफी कमाल के बल्लेबाजी करते हैं मनीष पांडे। एंड आईपीएल गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर मनीष पांडे आईपीएल में परफॉर्म करते हैं तो गाइस वहाँ से इंडियन टीम में जा सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे मनीष पांडे को आईपीएल में परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन गाइस उससे पहले उनको पिक करना पड़ेगा और आरसीबी की टीम गाइस इनको पिक कर सकती है और साथ ही में कप्तान भी बना सकती है, जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स कह रही है कि आरसीबी की टीम इनको कप्तान बनाएगी। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।